समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप राव, मुख्य वक्ता सुभाष गुप्ता जी और संचालक नवनीत जी, जो मेरे ग्रैंड सन के बराबर हैं एकेडमिक्स में, हमारे विद्यार्थी के विद्यार्थी हैं, श्रेष्ठ जन जो मेरे अभिभावक भी हैं सामने बैठे हैं उनको नमन, और प्यारे विद्यार्थी, आज इस विषय पर मुझे बोलना है। थोड़ा इसका टॉपिक कुछ अजीब सा लग रहा होगा बच्चों को, अस्तित्व के केंद्र से अस्तित्व के केंद्र तक ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा सब जगह है। चाहे वो आप मनुष्य के रूप में देखें, चाहे वृक्ष के रूप में देखें, चाहे पृथ्वी के रूप में देखें, चाहे आकाश तत्व के रूप में देखें, चाहे जल तत्व के रूप में देखें, किसी भी रूप में देखें, चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, बृहस्पति को देखें, जितने भी ग्रह हैं, ये सब ऊर्जा के ही विभिन्न रूपांतरण हैं। ऊर्जा से अलग कुछ नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि इस ऊर्जा आती कहां से? तो ऊर्जा ये आती कहां से है? ये ऊर्जा कहां से आती है, इसका एक्सप्लेनेशन वैदिक साहित्य देता है, वैदिक विज्ञान देता है। इसका बहुत कुछ थोड़ा सा भाग जो है वो आधुनिक विज्ञान दे पाता है। तो वैदिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का प्रादुर्भाव ईश्वर की कल्पना से शुरू होता है। ईश्वरी कल्पना जब ये करती है कि सृष्टि की रचना होनी है, तो ओम शब्द के नाद से ऊर्जा शुरू होती है, और उस ओम शब्द के नाद से प्रकृति में हलचल पैदा होती है और काल तत्व का उदय होता है, और काल तत्व के प्रेरणा से प्रकृति में हलचल होती है, और उस प्रकृति में उस हलचल से बहुत सी जो ओम की रश्मियां हैं वो बहुत सी ऋचाओं को प्रोड्यूस करती हैं, और विभिन्न प्रकार की रश्मियों को पैदा करती हैं, वो मरु रश्मियां, छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां, और यही ऊर्जा है जो पूरे सृष्टि का सृजन करती है। तो आप यहां पर बैठे हैं, कभी आपके मन में यह भी जरूर आता होगा कि मैं कौन, मेरे अंदर आत्मा है तो क्या है, यह प्रश्न जरूर आता होगा कभी आप अकेले में बैठे। तो यह ऊर्जा आती कहां से है? ओम के नाद से आती है, और ओम के नाद की एग्जिस्टेंस अब नासा भी करने लगा है कि अंतरिक्ष में हमेशा कंटिन्यूअसली नाद होती है, सूर्य की में भी यही नाद हो रही है। तो यह ऊर्जा का स्वरूप है, प्रादुर्भाव है, जो तीसरी प्रेरणा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो वैदिक ट्रेडिशन है हमारी वो बहुत ही साइंटिफिक है, और ये इस पर निर्भर करता है कि आपने प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग किया। जितने भी वेद हैं सब में यह बताया गया है कि प्रकृति के साथ जो आपके चारों ओर है, अगर आप रहेंगे और उन विधाओं का यूज करेंगे तो मानव कल्याण के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। हुआ ये कि आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिक विज्ञान की दौड़ में हमने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। सन 1962 तक हम 62% प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए, 2000 आते आते 120% करने लगे, और स्थिति ये हुई कि आज इस सदी के अंत तक अगर यही स्थिति बरकरार रही तो शायद मानव जाति स्थिति पर नहीं पड़ेगी। तो जो नेचुरल ट्रेडिशंस हैं उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लिया जाए, इसको वेदों ने बताया और मॉडर्न साइंस ने उसको थोड़ा बहुत बर्बाद किया। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह अगर ओम से हो गया तो कैसे सृष्टि की रचना हुई,
क्योंकि सृष्टि की रचना ही के बाद ही हम यहाँ पर आए।